नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं कि करेक्ट एलिवेशन पहचानने के। जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये कुछ टॉप व्यू दिए हुए हैं, टॉप प्लान दिए हुए हैं यहाँ पर, और इनको देख कर पहचानना है कि इनमें से करेक्ट एलिवेशन कौन सा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये रीजनिंग के हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि एलिवेशन क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एलिवेशन क्या होता है, टॉप प्लान क्या होता है। ठीक है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या डायरेक्शन दिए हुए रहते हैं, ये टॉप प्लान दिया हुआ का है और एक एरो बना होता है कहा, और कहा होता है कि इस डायरेक्शन से करेक्ट एलिवेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, इनमें से पहचानिए। ठीक है, हो सकता है ये एरो ऐसा दिया हो, ठीक है, हो सकता है ये एरो यहाँ से ऐसा दिया हो। ठीक है, और यदि नहीं दिया है और एलिवेशन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको कौन सा एलिवेशन लग रहा है कि जो अप्रोप्रिएट है या करेक्ट है, उस पर टिक लगाइए। ठीक है, राइट आंसर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि एलिवेशन और वो सारी चीज़ें हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने इनलार्ज कर लिया है, यहाँ सामने देख रहे हैं आप। ठीक है, ये सामने देख रहे हैं कि एक ये बना हुआ एक बॉक्स, ठीक है, बॉक्स ने एक कहना चाहिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ जिसके ऊपर ये चार ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये चार ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, चार ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें ये क्रॉस बना हुआ है। तो ये एक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये ऐसा टॉप व्यू किस चीज़ का दिखाई देता है, या कभी ये ऐसा क्रॉस बना हुआ है तो ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करें। और हम चर्चा कर रहे हैं कि हाउ टू चूज़ करेक्ट एलिवेशन, है ना, कि करेक्ट एलिवेशन को हम कैसे पहचाने। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, पिरामिड है। ठीक है, ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एलिवेशन समझ पाएंगे या टॉप व्यू समझ पाए। तो हमें क्या चीज़ समझनी है, एक तो टॉप कैसा दिखाई देता है, दूसरा एलिवेशन हमें कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप से दिखाई देते हैं। यदि आप ये देख रहे हैं, अभी ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऊपर से देख रहे हैं इसको, टॉप से। ठीक है, टॉप से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एज दिखाई दे रही है, ये एज दिखाई दे रही है, और ये एज दिखाई दे रही है। ठीक है, यदि अभी हम इसका टॉप व्यू बनाएं, तो मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ इसी का टॉप व्यू, देखिए कि कैसा दिखाई दे रहा है, ये एक ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है यूँ। ठीक है, और ये ट्राइंगल में इस पॉइंट पर ये सारी एज मिल रही हैं, तो यहाँ कहीं सेंटर में एक पॉइंट्स पे ये आगे तीनों एज ऐसी मिल रही हैं। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। इसमें कहा गया है कि भाई करेक्ट एलिवेशन पहचानी है। मान लीजिए एक में एलिवेशन बनाता हूँ, ए एलिवेशन ऐसा दिया हुआ है कि ये ऐसा दिख रहा है, बी एलिवेशन ऐसा दिया हुआ है कि ये ऐसा दिख रहा है, सी एलिवेशन सी में ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये ऐसा और ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और डी में दिया हुआ है कि भैया ये ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये टॉप व्यू दिया हुआ है, चलिए टॉप व्यू भी एक दिया हुआ है कि किसी पेपर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन में मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि ये पिरामिड है, पिरामिड कहीं किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि इसका करेक्ट एलिवेशन पहचानिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं भी लिखा है और कहा कि चूज़ करेक्ट एलिवेशन, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ सामने से देख रहे हैं। ठीक, आप सामने से देख रहे हैं तो ये तो अभी टॉप से देख रहा है, आप सामने से देखिए कि क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये सामने से देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉप से क्या दिखाई दे रहा था, ट्राइंगल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सारी एजेस भी दिखाई दे रही थी। ठीक है, और अभी यदि सामने से यहाँ से देखते हैं आप पेन की डायरेक्शन से, यहाँ से सीधा देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये फेस दिखाई दे रहा है। ठीक,
तो ये फेस दिखाई दे रहा है तो इससे मिलता हुआ क्या है, ये बी वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करेक्ट एलिवेशन पहचानना है। तो आपको दिखाई, आप मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा कि ये टॉप व्यू में आपको दिख रहा है कि ये सारे पॉइंट, ये अंदर को भी लाइन खींची हुई है, तो ये सारी लाइनें काहे की इन एजोस की हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगलर उसमें तो जान गए कि आप पिरामिड में कैसा दिखाई देता। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर पिरामिड का एलिवेशन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक। अब स्क्वायर पिरामिड में क्या हो रहा है, अब इसका हम देखिए नीचे बनाते हैं प्लान। ये क्या दिखाई दे रहा हमें, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसकी ये सारी एजेस दिखाई दे रही जो कि एक पॉइंट पर आके मिल रही। यदि इसका टॉप व्यू देखें हम, तो हमें कैसा दिखाई दे रहा, नीचे हमने स्क्वायर दिखाई दे रहा और ये दिखा रहा है कि सारी एजेस एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, ठीक है। तो हमें इसका टॉप व्यू इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ए नंबर का एलिवेशन है आपका ये, बी नंबर का एलिवेशन है आपका ये, सी नंबर का एलिवेशन है आपका ये, ठीक है, और डी नंबर का एलिवेशन है आपका ये। अब इनका कहना है कि ये टॉप व्यू देखकर और करेक्ट एलिवेशन पहचानी है। अब मैंने यहाँ पे ये किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, जैसा ये मैं पेपर के ऊपर रखा हूँ, तो ये समझ लीजिए कि ये पेपर के ऊपर रखकर और ये बना रहे हैं, ठीक है। तो अब करेक्ट एलिवेशन पहचानी है, तो अब खुद आप देख कर समझ सकते हैं कि भाई ये देख कर ही समझ में आ रहा है कि ये कोई स्क्वायर चीज़ है जो कि ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिल रही, यानी कि ये पिरामिड होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप की कंडीशन हो तो ये समझ लीजिए कि ये सारी एजेस जो हैं किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, यानी कि ये पिरामिड है, ठीक है। तो ये पिरामिड का एलिवेशन क्या है, स्वाभाविक है कि ट्राइंगल दिखाई देगा सामने से। कैसे, यहाँ से हम देख रहे हैं तो कैसा दिखाई दे रहा, तो मुझे यहाँ से ये एक दो एज ये दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही एलिवेशन में, ठीक है। आप मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आए, क्या आप यदि सामने से इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने टॉप बनाया था, अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा, तो हमें यहाँ से ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, स्वाभाविक दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वो उसका राइट आंसर हो गया, ठीक। इस टाइप से हम ये एलिवेशन वाले करते हैं। अब देखिए कि एक और ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको और देख के हम समझ कुछ करते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रिज्म, ठीक है। ये प्रिज्म है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ऐसा ऊपर से दिखाई देता है, ये इस टाइप का प्रिज्म है, ठीक है। तो इस प्रिज्म को यदि आप टॉप से देख रहे हैं, मान लो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइट का रोशनी कम होने के कारण आपको शायद उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अभी यदि आप ऊपर से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एज दिखाई दे रही है, ठीक है। ये देखिए आप एकदम, ये एज दिखाई दे रही है, ये एज दिखाई दे रही है, ये एज दिखाई दे रही है, और ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यदि आप ये और ये बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और मुझे ये वाली एज मैंने ये सेंटर में बनाई, ठीक। आपको देख, ये है ऐसा ट्राइंगलर है, लेकिन ऊपर से यदि आप देख रहे हैं तो ये लाइन आपको पूरी सीधी दिख रही है, ठीक है, ये सीधी लाइन दिख रही है, उसमें बीच में ये वाली लाइन दिखाई दे रही, फिर ये नीचे सीधी लाइन दिखाई दे रही। हमने क्या किया, ये ऊपर से देख रहे थे हमने ये सीधी लाइन बनाई, फिर नीचे की ये एक सीधी लाइन बनाई, और ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ये वाली एज, ये एज बनाई हमने, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। अब इसका कहा गया है कि इसको भी किसी पेपर के ऊपर रख दिया हमने, ऐसा बॉक्स बना के दिया उसके अंदर, और कहा कि करेक्ट एलिवेशन पहचानी है, ठीक है। अब करेक्ट एलिवेशन में क्या दिया है, यहाँ से क्यों हो सकता है, ए दिया है ऐसा, ठीक है, बी दिया है
ऐसा, ठीक है, सी दिया है ऐसा और डी दिया है ऐसा, ठीक है, होगा करेक्ट एलिवेशन पहचानिए। अब इसको टॉप को देख के आप करेक्ट एलिवेशन कैसे, हमेशा ये यदि कहीं कोई कंडीशन डायरेक्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि आपसे बोल रहा है कि इस फ्रंट से कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है वो बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा होगा, तो अब आप यहाँ से देखिए, थोड़ा दूर कर दिया, यहाँ से देख रहे हैं हम पेन के डायरेक्शन से, ठीक है, अभी पेन के डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो टॉप से तो हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी सामने से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये मुझे देख दिया सामने, क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्राइंगल कहाँ है, पहला वाला ए वाला ऑप्शन हो गया, तो ये हमें इमेजिनेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। अभी क्या था कि इस डायरेक्शन में दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में दिया तो आपका करेक्ट एलिवेशन ये वाला हो गया, ठीक है। अब यही यदि इस डायरेक्शन में दिया होता, ये ऐसा रखा हुआ है, इस डायरेक्शन से बनाइए कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम इस डायरेक्शन से देखें, ये वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं, कंडीशन नंबर वन में, कंडीशन नंबर वन यानी कि यहाँ से देख रहे हैं हम, ठीक है, मैंने यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो कंडीशन नंबर वन में इसमें आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। कंडीशन नंबर टू यदि आप कह रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है, तब देखिए यहाँ से देखेंगे हम तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, स्वाभाविक है यदि आप थोड़ा सा समझने लगेंगे, इमेजिनेशन में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से मैं ऐसा कर दे रहा हूँ इसको, ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है हमें, सिर्फ ये एज दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या था, ये था, ठीक है। या आप इसको इसी कंडीशन में जमा लूँ मैं, ये यदि टॉप व्यू है तो इस साइड से कैसा दिखाई दे रहा, अब साइड से देखिए कि यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसा दिखाई दे रहा, पूरा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। ऐसे में ये टॉप व्यू ये था, लेकिन बोले यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा, तो यहाँ से स्वाभाविक है कि ये वाला पार्ट दिखाई देगा पूरा एलिवेशन में, तो आप ये देखिए ये पार्ट कैसा दिखाई देगा कि आप इसके सामने खड़े होंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में आंसर क्या है, कंडीशन नंबर टू में आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एलिवेशन बनाने को आ सकते हैं, या एलिवेशन कहना चाहिए चूज़ करने को आ सकते हैं। अब यहाँ देखें एक केस और देखें हम, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड तो आपने जनरली देखा होगा, मैंने इसमें सिक्स फेस भी लिख दिया, ठीक है। अब ये इनने क्या करा कि इसको ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, का इसका टॉप कैसा दिखाई दे रहा हमें, पूरा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा, ठीक है, ये भी किसी चीज़ के ऊपर रखा है, और यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ है एलिवेशन ऐसा दिखाई दे रहा है, बी में दिया हुआ है एलिवेशन आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी में दिया हुआ है आपका एलिवेशन ऐसा है, ठीक है, और डी में दिया हुआ है आपका एलिवेशन ऐसा, ठीक है। तो आपको करेक्ट एलिवेशन पहचानना है, ठीक। तो अब आप देखें कि यदि जब आपको डायरेक्शन नहीं दिया तो आपको कहाँ से फ्रंट से ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा क्रॉस तो दिखाई दे नहीं रहा कि जिससे कि ये ट्रायंगल हो या कर्व हो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा टॉप व्यू में, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक।
अब यदि आप सामने से देख रहे हैं तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, सॉरी ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ऐसा डी वाला ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, अब आप पहचानिए करेक्ट एलिवेशन कौन सा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं सामने से, यदि कंडीशन नहीं दी हुई है यानी कि हम हमेशा यहीं से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये फेस दिखाई दे रहा है तो हम इसमें देख के समझ सकते हैं कि ये फेस कौन सा है। सबसे पहली चीज़ तो प्रोपोर्शन देख के हम समझ सकते हैं कि ये फेस क्या हो सकता है। ठीक है, ये फेस इस फेस से छोटा है इस वाले से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि छोटा फेस कौन सा दिखाई दे रहा है, वो होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें तो दिखाई दे ही नहीं रही कहीं से, हम सामने से देख रहे हैं तो दो ही एज दिखाई दे रहे, यहाँ पे तीन एज है तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, और ये ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ऊपर कोई या तो ये तीन टॉप व्यू इस टाइप का दिखाई दे रहा होता तो ट्रायंगल होता। ठीक है, या फिर ये इस टाइप का दिखाई दे रहा होता टॉप व्यू तो ट्रायंगल होने की संभावना थी। ठीक, या ऊपर टॉप व्यू में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि सीधा दो एज वाला फ्लैट कोई भी रेक्टेंगल है स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ दो चीज़ दी हैं ऐसी, दोनों में से हमें देख के समझना। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में हम प्रोपोर्शन देखेंगे। ठीक है, कि प्रोपोर्शन देखेंगे भाई छोटा है इसके बराबर का लगभग क्या कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में हमारा ये होगा। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हैं ये दिख रहा है, आप सामने से देखेंगे यानी इस कंडीशन देखेंगे तो आपको ये टू नंबर वाला पार्ट ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये दिख रहा है कि ये आड़ा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि खड़ा है। अब यदि ये ऐसा होता मान लो, ठीक है, ऐसा बनाया हमने, ठीक, और कह रहे कि यहाँ से कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में ये वाला सही होता। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा जज करके समझना पड़ेगा। अब यदि हम इस कंडीशन में, अभी तो ये तो एरो था कि भाई इस कंडीशन में, ठीक है, अब इनने कहा ये कंडीशन नंबर वन, ये मैं यहाँ पे कंडीशन नंबर वन की बात कर रहा हूँ, तो वन में आपका डी आंसर सही है। ठीक है, कंडीशन नंबर टू का यहाँ से देखिए और बताइए कि कंडीशन नंबर टू में क्या दिखाई दे रहा। ठीक है, तो कंडीशन नंबर टू में, हालांकि यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, ये वर्टिकल होना है, यदि एक और मैं डाल लेता हूँ ई में, ये क्या है, ये तो हमारा छोटा दिख रहा था, एक और डाल लेता मैं ई में और बना दे ये ऐसा। ठीक है, अब ये छोटा दिख रहा था, ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कंडीशन नंबर टू में, तो कंडीशन नंबर टू में स्वाभाविक है देख के पहचान सकते हैं कि यार ये इस फेस के बराबर लंबा यही दिख रहा है। ठीक है, ये तो नहीं दिख रहा, ये वर्टिकल खड़ा हुआ है लेकिन ये फेस तो इसका छोटा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, यदि यहाँ से देख रहे हैं तो फेस लंबा होना चाहिए, तो ये लंबा वाला ये है। ठीक है, तो इस कंडीशन नंबर टू में क्या है, ई सही है। ठीक है, अब एक कंडीशन और दे दी कि भाई कंडीशन नंबर ये यहाँ तिरछा दिख रहा है, आप तीसरे नंबर की कंडीशन डाल लो, यहाँ से देख रहे हैं आप, बनाइए कि क्या कौन सा सही है। अब देखो आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको एक एज ये दिखाई देगी, ठीक है, एक एज ये दिखाई देगी, एक एज ये दिखाई देगी, तीन एज दिखाई देंगी। कैसे, आप इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं, मैं पेन का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख रहे हैं ऐसा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली एज दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही। अब देखिए कैसा दिखाई दे रही, ठीक है, ये देखिए, यदि ये आपके सामने ऐसा खा, मतलब यहाँ से, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा, आप यहाँ इसके सामने खड़े हैं तो ये एज दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही। ठीक है, ये सीधी लाइन दिखाई दे रही, ये सीधी लाइन दिखाई दे रही, तो हमारे पास ऐसा फिगर कौन सा है, ये वाला है।